यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में 44 करोड़ लागत की विस्तारित पेयजल योजना का काम शुरू तो हुआ, लेकिन अब इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बाबत शुक्रवार को पत्रकार परिषद में कई तरह की शंकाएं व्यक्त की गई है। आइए देखते हैं क्या है मामला। दिग्रस शहर की आगामी 30 सालों की पेयजल समस्या को सुलझाने का दावा करते हुए बीते 9 जून 2023 को विस्तारित पेयजल योजना का शुभारंभ पालक मंत्री संजय राठौड़ की प्रमुख उपस्थिति में किया गया, लेकिन 43.79 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के क्रियान्वयन पर अब सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। शुक्रवार को इस संदर्भ में पूर्व उपनगर अध्यक्ष अजिंक्य मात्रे और पूर्व नगर सेवक केतन रत्न पारखी ने इस योजना को अमली जामा पहना रही पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी की कार्यप्रणाली के साथ ही इस योजना का काम अकुशल अनुभवहीन इंजीनियर के हाथों सौंपने से लेकर एक मैकेनिकल इंजीनियर की दस्तखत से गैरवाजबी तरीके से करोड़ों के कामों के बिलों को जारी करने जैसी शंकाएं उत्पन्न की है, जिससे इस विस्तारित पेयजल पाइपलाइन योजना में बड़े पैमाने पर धांधली का संदेह उत्पन्न हो रहा है। वाढीव पाणी पुरवठा योजना संदर्भात आजची पत्रकार परिषद आम्ही बोलवली होती। 2 दिवसापूर्वी आम्ही साईट व्हिजिट दिली होती, मी केतन रत्नपारखी नूर मोहम्मद खान साहेब। तर तिथे असे निदर्शनास आले की तिथे जलशुद्धी केंद्राचं नवीन काम सुरू होतं, त्यामध्ये क्वॅरिफायर आणि समचं काम सुरू होतं आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्थापत्य अभियंता तिथं उपस्थित नव्हता, त्यानंतर कुठल्या प्रकारचा नगर अभियंता तिथे उपलब्ध नव्हता। ॲक्च्युली हे पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत हे सिव्हिल वर्क सुरू आहे आणि सिव्हिल वर्क सुरू असताना कुठल्याही नगर अभियंताला बांधकाम विभागाच्या कुठल्याही प्रकारची नियुक्ती अजून त्यांची करण्यात आलेली नाही आहे आणि सदर कामाचे देयक हे सर्रास काढणं सुरू आहे श्री मांडे साहेबांच्या स्वाक्षरीनुसार, आणि जवळपास 6.97 लाख रुपयाचे देयक अद्यापपर्यंत काढण्यात आलेले आहे। आमचं म्हणणं सरळ आहे की लोक चंद्रावर चालले चंद्रयान घेऊन, अरे इंजिनियर लोकांना साईटवरही जाता नाही येऊन राहिलं, म्हणजे शोकांतिकेची गोष्ट आहे। एवढं मोठं काम 41 कोटी रुपयाची योजना आहे, 41 कोटी रुपयाच्या योजनेमध्ये जसं ज्या प्रकारे 7 वर्ष झाले दारव्याची पाणीपुरवठा योजनेचा भट्ट्यामोळ झालेला आहे, यवतमाळची 300 कोटी रुपयाची पाणीपुरवठा योजना आहे त्याचा भट्ट्यामोळ झालेला आहे, त्यामुळे कुठेतरी आपल्या दिग्रजच्या भविष्याचं म्हणजे जवळपास 30 वर्षाचा करारनाम्यात लिहिलेला आहे की 30 वर्षाचा पाणीपुरवठा दिग्रजला या योजनेमार्फत होणार आहे आणि त्याचा जर भट्ट्यामोळ होत असेल तर कुठेतरी शोकांतिक आहे। आम्हाला कोणाला आरोप वगैरे लावायचे नाही, यांना विरोध करायचा आहे। जर विरोध करायचा असता तर ज्या दिवशी या पाणीपुरवठा योजनेचं भूमिपूजन झालं त्या दिवशी अध्यक्ष म्हणून ज्यांना नेमण्यात आलं त्यांचा कुठलाही या पाणीपुरवठा योजनेशी संबंध होता, परंतु कोण शिलेवर त्यांचं नाव टाकण्यात आलं त्याच दिवशी आम्ही विरोध केला असता, परंतु गावाचं एक चांगलं कार्य होऊन राहिलं म्हणून आम्ही याच्यात कुठल्याही प्रकारचा विरोध दर्शवला नाही। गौरतलब है कि बीते दिनों दिग्रस शहर में बड़े ही जोर शोर के साथ पेयजल योजना की करीब 44 करोड़ की विस्तारित योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन अब इसके क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पहले भी दारवा शहर की और यवतमाल शहर की पेयजल योजना का काम कथित लापरवाही और अफरा तफरी की भेंट चढ़ गया है। कहीं दिग्रस शहर की पेयजल योजना का भी यही हश्र न हो जाए, ऐसा सवाल उठना लाजमी बात है। वैसे भी शहर के पास में स्थित नांदगवान बांध का पानी शहर तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया काम भी काफ़ी दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर हमने पालिका के मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनावने से बात करनी चाही, लेकिन सूत्रों से पता चला कि वे शुक्रवार को दिग्रस शहर से बाहर थे। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब पालिका प्रशासन क्या रुख अपनाता है और किस तरह का खुलासा करता है, इसी की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।